शिवम स्टूडियो विक्रमगंज। तो हम बार बार ये बात कहते हैं कि गुरु धारण तभी करो, हमारे पास आओ जाओ, कल्याण होवे, कल्याण हो, निवारण हो, लेकिन जल्दी गुरु मंत्र मत लो, क्योंकि फिर हमको भी तकलीफ लगता है। गुरु धारण करने के बाद गुरु के ऊपर कोई शंका सुनते होए तो हमको भी तकलीफ होता है, क्योंकि हमारा तो बिजनेस है नहीं, बिजनेस होता तो तकलीफ ना लगता। लेकिन हम तो बार बार कहते हैं कि हमारा गुरु मंत्र देने से रोटी रोजी थोड़े चल रहा है, उससे हमारा नहीं चल रहा है। और ये ताकत किसी किसी में होगा कहने का, लेकिन हम तो जहरात कहते हैं कि गुरु मंत्र मत लो, चेला मत बनो जब तक कल्याण न हो, क्योंकि राम तेजो पे गुरु न बिसारो, गुरु के समहारे को निहारो। राम छूट जाए लेकिन गुरु किसी संयोग में न छूटे। क्यों? हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छोड़ाई। मान लिया कि भगवान तो जन्म दे दिए, जन्म सबको दिए हैं और हमारा भी जन्म हुआ है और आप सबों का भी जन्म हुआ है, लेकिन अंतर जन्म लेने में अंतर है। भगवान तो जन्म दे दिए लेकिन ये जो है संसार में जो दुख है, इस दुख से उबरने का उपाय कौन बताएंगे? भगवान नहीं, के बताएंगे? गुरु। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छोड़ाई। भगवान जन्म दे दिए लेकिन ये जीव का सिलसिला लगा हुआ है, बार बार माँ के गर्भ में जाना, दुख करना, कष्ट करना, फिर जन्म लेना, जो माँ के गर्भ में दुख होता है उसे उबार करने का उपाय के बताएंगे? तो गुरु, भगवान ना बताएंगे। भगवान तो जन्म दिए और साथ साथ का कर दिए, हरि ने पांच चोर दिए साथा, गुरु ने लाए छुड़ाए अनाथा। हरि ने पांच चोर दिए साथा, गुरु ने लाए छुड़ाए अनाथा।
जन्म दिए हैं भगवान, लेकिन पांच चोर भी साथ में दे दिए हैं जन्म ते कौन कौन, काम क्रोध मद लोभ, पांच चोर भी साथ में दिए। लेकिन एक चोर का पहचान कब होगा? अत गुरु के पास जाने पर। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक इसका पहचान माता पिता नहीं करा सकते हैं, क्योंकि माता पिता तो खुद चोर से फंसे हुए हैं। माता पिता तो खुद उस चोर के बंधन में है, तो कैसे छुड़ा सकते हैं? के छुड़ाएगा? अत गुरु। तो भगवान तो जन्म दिए आप पांच को चोरों दे दिए कि उसी चोर में जिंदगी उलझ जाता है, बजे रह जाता है। तो जीवन में गुरु भगवान ने जन्म दिया तो हरि ने रोग भोगे उपजायो, गुरु जोगी कर सब ही छोड़ायो। भगवान जन्म दिए तो जन्मते भोग दिए। भोग माने खाना पीना विषय बसना भोग विलास ये भी दे दिए साथ में, और अति भोग रोग बन जाता है। लेकिन इसके बारे में ना बतलाए, अब इतना भोग दे दिए कि भोग भोगते आदमी रोगी बन जाता है। आज रोग का ही तो ना है, रोग इसलिए है कि आदमी भोगी बन गया है, अति भोग रोग का कारण बन जाता है। फिर उस रोग का निवारण डॉक्टर के पास नहीं है। जब तक आदमी संसार में रहते कुछ योगी नहीं बनेगा, तो केवल भोगी रोगी बन जाता है, और फिर रोगी बन करके और दुख करता है, कष्ट करता है। तो ये बात की बताएंगे अत गुरु। संसार में केवल भोग है और भोगी रोगी बन जाता है, और परमात्मा ने भोग भी दिया और रोग भी दिया, लेकिन योग के बतलाएगा अत गुरु। गुरु के पास जाने पर यहाँ लोग आते हैं तो नाना प्रकार के भोजन में फंसे रहते हैं, कुरीति में फंसे रहते हैं, लेकिन यहाँ आने पर तो दो काम हो जाता है, एक तो दारू शराब छूट जाता है, मछली मांस भी छूट जाता है। ये बहुत बड़ा काम हो जाता है, यही कम नहीं काम है, बहुत बड़ा काम है। अति भोग रोग बन जाता है, भोगा न भुगता वय में वो भुगता, मानस नहीं भोगाता मानस खुद भोगाए। गुजराती भाषा में एक जगह लिखा था कि मानस भोग नहीं भोगता मानस खुद भोगाए। आदमी सोचता है कि हूँ भोग भोगू छू, पर भोग नहीं भोगता मानस खुद भोगाए, आदमी खुद भोगाता है, वो भोग नहीं भोगता। इसलिए बार बार कहते हैं कि अति भोग रोग का कारण बन जाता है। एक महीना में आदमी अमुक प्रकार का भोजन करे, इसलिए कि ध्यान देना है शरीर स्वस्थ हो मन स्वस्थ हो तो भजन में मन लगेगा, काम में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, ना तो हाथ दुखाते हो के गोड़ दुखाते हो के कपार दुखाते तो पढ़ाई में मन लगी, ना पूजा में मन लगी, ना पाठ में मन लगी। तो उसके लिए ध्यान देना है, एक महीना में मनुष्य के अंदर 8 ग्राम वीर्य बनता है अमुक प्रकार का भोजन करे तब। एक महीना में 8 ग्राम वीर्य बनता है। एक स्त्री के अंदर बनता है उसको रज कहते हैं, पुरुष के अंदर बनता है उसको वीर्य कहते हैं। और रज बीज से दियो घट बनाई या तामे हंसा रहे ठहराई, इसी राजवीर से शरीर बना हुआ है मनुष्य का।
और इसी बीज के चलते शरीर में तेजी रहता है, ताकत रहता है, तेजस्विता रहता है, उसी को कहा गया है रति बिनु राज रति बिनु पाट, रति बिनु राज रति बिनु पाट, रति बिनु मानस लागत फीको, रति बिनु साधो रति बिनु संत, रति बिनु साधो रति बिनु संत, रति बिनु होए न जोग जति को, रति बिनु राज रति बिनु पाट रति बिनु मानस लागत फीको। रति माने तेजस्विता, रति माने रौनक, रति माने प्रकाश, रति माने तेजी। रति बिनु साधु रति बिनु संत, रति बिनु मानस एक रति को। जिसके अंदर रति है उसके अंदर तेजस्विता है, प्रकाश है, और जिसके अंदर रति नहीं है तो मानस एक रति को, आदमी एक रति का। रति माने राई भी होता है, राई से भी छोटा रति होता है, रति तोला, तो उसके बराबर भी आदमी नहीं है जिसके अंदर जो है तेजस्विता नहीं। तो हमारा कहने का मतलब कि मनुष्य के अंदर जो शरीर में बनता है अमोक प्रकार का भोजन, दूध फल फूल खाने के बाद एक महीना में 8 ग्राम बीज, और स्त्री के अंदर बनता है उसको रज कहते हैं, और महीना में एक बार स्त्री प्रसंग आदमी करता है तो एक महीना का कमाई उसका खत्म हो जाता है। जिसको मनुष्य के शरीर से काम है उसको ये बात बांध लेना चाहिए, कस करके हृदय पर जिसको निरोग रहना है, हमारा बात को बांध लेना है अपने हृदय में, समा जाना चाहिए। जिसको निरोग रहना है कि मनुष्य सुखी रह सकता है लेकिन कब, अपने पर ध्यान दे। किस बात पर? एक महीना में 8 ग्राम बीज बनता है, स्त्री के अंदर रज बनता है। शरीर में बीज के चलते शरीर में जो है हड्डी में जो चिकनाहट होता है, हड्डी में जो ग्रीसिंग होता है, नहीं गाड़ी उड़ी में ग्रीसिंग किया जाता है, खटक खटक बजने लगता है तो ना ग्रीसिंग किया जाता है तो मुलायम हो जाता है, तो यो ग्रीसिंग खत्म हो जाए खटक खटक करे ली ना चरा चरा करे लगल गोठे हो ना केहू नहीं तो ग्रीसिंग खत्म हो जाल। और ग्रीसिंग अपना हाथ के चीज, वो ग्रीसिंग का है बीज,